नमस्कार, आप सबका स्वागत है। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का वंशज कमल अब बीकानेर में वंश वृद्धि के लिए तैयार है। फरवरी 2006 में केंद्रीय वस्त्र अनुसंधान उदयपुर राजघराने के महाराजा अरविंद सिंह मेवाड़ के राजरतन घोड़े का सीमन यहां लाया था। ढाई साल पहले उस सीमन से कजरी नाम की घोड़ी का कृत्रिम गर्भाधान किया, जिससे कमल पैदा हुआ। उदयपुर राजघराने का दावा है कि राजरतन घोड़ा चेतक का वंशज है। कमल ढाई साल का हो गया है। केंद्र इसको देखते हुए अन्य घुड़ियाओं से कृत्रिम गर्भाधान कराकर इसकी वंशवृद्धि करने के लिए तैयार कर रहा है। अगर उदयपुर राजघराने का दावा सही है तो अब बीकानेर के घोड़े पालने वालों को भी चेतक की वंशवृद्धि का पालन पोषण और सवारी करने का अवसर मिल सकेगा। केंद्र में घोड़ी का कृत्रिम गर्भाधान कर अश्व पालक इस वंश को पाल सकेंगे। इतिहास में महाराणा प्रताप के घोड़े का जिक्र 1576 के आसपास आता है। एक घोड़े की औसत उम्र 25 से 30 वर्ष मानी जाती है और अगर पीढ़ी का अनुमान लगाएं तो बीकानेर का कमल 15 या 16वीं पीढ़ी हो सकती है। हालांकि डीएनए के आधार पर केंद्र के वैज्ञानिक इस बात को पुख्ता तरह से नहीं कह पा रहा कि ये चेतक का ही वंशज है, क्योंकि इसके लिए कमल और चेतक का डीएनए होना जरूरी है। इसे उदयपुर राजघराने के दावे से ही चेतक का वंशज बताया जा रहा है। कमल अभी ढाई साल का है, लेकिन उसकी मस्तानी चाल केंद्र को लुभा रही है। पिता राजरतन लाल रंग का था, जबकि माँ कजरी काले रंग की। कमल में दोनों रंगों का मिश्रण है। कमल की ऊंचाई 4 साल बाद घोषित की जाएगी। केंद्र में कमल की अलग से देखभाल होती है। कमल के कान ऊपरी हिस्से पर एक दूसरे के छोर को छू रहे हैं। इसे घोड़े की बड़ी क्वालिटी माना जाता है।